दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था वो फाइनली सामने आ चुका है। द फैमिली मैन 2 का ट्रेलर, करीब 2 मिनट 44 सेकंड का ये ट्रेलर है। शुरुआती कुछ समय में श्रीकांत तिवारी की जिंदगी और उनके संघर्ष पर फोकस किया गया है। कैसे एक आम आदमी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए देश सेवा के लिए हर वक्त उतावला रहता है, लेकिन जब परिवार टूटने की गागार पर दिखता है तो सबसे पहले पत्नी और बच्चों को तवज्जो देता है। श्रीकांत तिवारी राष्ट्रीय एजेंसी में जासूसी का काम छोड़कर एक साधारण कंपनी में काम करने लगता है। उसका शरीर भले उस ऑफिस में रहती है, लेकिन रूह हर वक्त उसके पुराने काम में ही रमती है। एक दिन वो पुराने साथी जेके यानी कि शरीफ हासिम को कॉल करता है। पता चलता है कि चेन्नई में एक नए मिशन की शुरुआत हुई है। श्रीकांत खुद को रोक नहीं पाता और वापस जांच एजेंसी ज्वाइन कर लेता है। जेके अपने बॉस श्रीकांत तिवारी को बोलता है कि उसे फोमो हो गया है। इस पर श्रीकांत कहता है कि वो अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश है, लेकिन क्या सच में वो खुश है? यहाँ फोमो यानी कि फियर ऑफ मिशन आउट है। पूरी फिल्म यानी कि द फैमिली मैन 2 की कहानी इसी के सेंटर्ड में है। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के लोग इसके शिकार है। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब है पीछे छूट जाने का डर। ये एक तरह की वो मानसिक स्थिति है जो लोगों के मन में दूसरे लोगों की जिंदगी से बाहर होने या उसकी ज़िंदगी में अपनी अहमियत होने के डर से जुड़ी है। ये लोगों में मिसिंग आउट होने का डर पैदा करती है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में आई छोटी सी तकलीफ भी ऐसी लगती है कि जैसे उनके साथ कितना बड़ा हादसा हो गया हो। वेल दोस्तों, देखा जाए तो ट्रेलर काफ़ी माइंड ब्लोइंग है। उसमें सामंता की एक्टिंग ओ हो, लेकिन हमारे मनोज बाजपेयी भी कम नहीं है। दोस्तों, इस मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज का इंतज़ार सभी लोग कर रहे हैं और इसका ट्रेलर जब से सामने आया है तब से एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया है। इसके साथ ही मेकर्स ने वेब सीरीज को 4 जून को ऑफिशियली रिलीज करने का भी ऐलान कर दिया है। द फैमिली मैन के नए सीजन के धमाकेदार ट्रेलर में श्रीकांत तिवारी के रोल में मनोज बाजपेयी एक बार फिर अपने परिवार और कर्तव्य के बीच बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज और डीके के डायरेक्शन में बनी इस वेब सीरीज में मनोज बाजपेयी के अलावा समंथा और शरद केलकर अहम भूमिका में नजर आएंगे। दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेलर काफी माइंड ब्लोइंग है, बहुत मजेदार है। क्या आपने ट्रेलर देखा? और हाँ, तो आपको कैसा लगा ट्रेलर? क्या आपको भी मजा आया देखकर? हाँ या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।